गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस मैं आपको पूरी डिटेल में करवाऊँगी, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से करवाऊँगी, उसके टाइप और हर एक टाइप की एक्सप्लेनेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इनफ्लोरेसेंस होती क्या है। तो इनफ्लोरेसेंस मीन्स कि फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर की अरेंजमेंट्स क्या है। सो ये है फ्लोरल एक्सिस और आप इसे फ्लावर कंसीडर कर सकते हो, ये फ्लावर। सो इस फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर्स की क्या अरेंजमेंट है, उसे हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो फ्लोरल एक्सिस का दूसरा नेम है पेडंकल और पेडिसल अलग होता है। जैसे एक मेन एक्सिस है तो हम उसे बोलेंगे पेडंकल, उससे एक और जनरेट हो रही है तो उसे हम बोलेंगे पेडिसल। तो ये दोनों अलग अलग टर्म है। सो इनफ्लोरेसेंस के अलग अलग टाइप हैं, जैसे कि रेसीम इनफ्लोरेसेंस, साइमोज इनफ्लोरेसेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेसीमोज इनफ्लोरेसेंस। सो हम रेसीमोज को और बोलते हैं इनडेफिनेट। सो इनडेफिनेट मीन्स कि जो मेन एक्सिस है वो इनडेफिनेटली ग्रो करती जाएगी और ऊपर से टर्मिनेट बिल्कुल भी नहीं होगी फ्लावर लगने से। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें फ्लावर साइड में है, दो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऊपर कोई भी फ्लावर नहीं है। वैसे इसमें होता है सेम कि ऊपर कोई फ्लावर लगने से टर्मिनेट नहीं होती, ये कंटिन्यूसली ग्रो करती जाती है। और इसमें सबसे पहले फ्लावर जो आते हैं वो नीचे से आते हैं, बेस से। सबसे पहले फ्लावर बेस से आएंगे और फिर ऊपर फ्लावर लगेंगे। सो इस फैशन को बोलते हैं हम एक्रोपेटल ऑर्डर और एक्रोपेटल सक्सेशन। मींस जो ओल्डर फ्लावर होते हैं वो लोअर साइड होते हैं और जो यंगर फ्लावर होते हैं वो ऊपर की साइड होते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब रेसीमोस के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि रेसीम, स्पाइक, कैटकिन का एक और नेम है एमंटम, स्पैडिक्स, कोरिम्ब, अम्बल, एंड लास्ट वन इज कैपिचुलम और रेसीमोस हेड, और इसे एंथोडियम भी कहते हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके एग्जांपल, इनकी डेफिनेशन, सब कुछ। सो फर्स्ट वन इज रेसीम। सो रेसीम में पेडंकल इलोंगेट होता है और पेडंकल मीन्स ये जो फ्लोरल एक्सिस है, और इसमें जो फ्लावर होते हैं वो पेडिसिलेट होते हैं। पेडिसिलेट मीन्स कि ऐसे एक पेडिसल होगी, इसे पेडिसल बोलेंगे और इसके ऊपर फ्लावर लगा होगा, इसे बोलते हैं पेडिसिलेट। सो इसमें एक इलोंगेटेड पेडंकल होगी एंड सेकंड वन जो फ्लावर है वो पेडिसिलेटेड होगा। फ्लावर इज पेडिसिलेटेड। और क्योंकि ये रेसीमोस है तो इसकी जो पेडंकल या फिर जो फ्लोरल एक्सिस है वो ऊपर से टर्मिनेट नहीं होगी और इसके फ्लावर जो होंगे वो पेडिसिलेटेड होंगे और साइड में होंगे। इसका एग्जांपल है रेडिश एंड मस्टर्ड।
रेसीम का भी एक अपना टाइप है जिसे कहते हैं कंपाउंड रेसीम और रेसीम ऑफ रेसीम्स और रेसीम ऑफ पेनिकल। और इसका एग्जाम्पल है नीम एंड गुलमोहर। सो कंपाउंड रेसीम्स मीन्स पेडंकल इज ब्रांच्ड, मतलब कि जो मेन एक्सिस है इसमें ब्रांचेस होंगी, जैसे कि ये ब्रांचेस हैं और इन ब्रांचेस के ऊपर फ्लावर्स लगे होंगे, वो भी पेडिसिलेटेड फ्लावर, जैसे कि इनकी स्टोक और ये फ्लावर, स्टोक और ये फ्लावर। रसीम में ऐसा नहीं था, रसीम में था कि मेन ब्रांच पेडंकल और उसमें सीधा फ्लावर लग रहा था, बट जो कंपाउंड रसीम है उसमें मेन ब्रांच और उसके साथ में उसकी ब्रांचेस होंगी और उन ब्रांचेस के ऊपर फ्लावर लगे होंगे, तो इसे बोलते हैं हम कंपाउंड रसीम और रसीम ऑफ रसीम्स, जिसका एग्जांपल है नीम कोमा गुलमोहर। नाउ सेकंड टाइप इज स्पाइक, तो इसमें भी सेम है, पिडंकल इज इलोंगेटेड, पिडंकल होगा इलोंगेट, बट इसमें जो फ्लावर होंगे वो सेसाइल होंगे। सेसाइल मीन्स जो मेन पिडंकल है उससे फ्लावर डायरेक्टली अटैच होंगे, उनमें से कोई भी स्टोक नहीं होगी, जैसे हम पीछे देख रहे थे रसीम में कि उसमें स्टोक है और फिर फ्लावर है, बट इसमें जैसे कि पिडंकल है मेन एक्सिस, उससे फ्लावर डायरेक्टली अटैच होगा, जैसे कि ये फ्लावर डायरेक्टली अटैच आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पे। तो जो हम इस टर्म को क्या बोलते हैं, फ्लावर सेसाइल, जिसमें फ्लावर डायरेक्टली पेडंकल से अटैच होता है, और इसका एग्जाम्पल है एकाईरिंथस। एक टर्म आपने और सुनी होगी स्पाइक ओ स्पाइकलेट, जो कि स्पाइक में ही आता है, तो इसमें पेडंकल, जो पेडंकल है वो ब्रांच्ड होगा, ऐसे ब्रांच्ड, और इसमें फ्लावर इससे अटैच होंगे डायरेक्टली, तो आपने देखा होगा ये ऐसे फ्लावर इसमें सेसाइल होंगे, सेसाइल मीन्स जिसमें पेडिसल नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइक। आपने गेहूं देखा होगा कभी, अगर देखा हो तो जब गेहूं पक जाता है तो उसमें ऐसे ही सिमिलरली उसके जो बीज होते हैं वो ऐसे ही अटैच होते हैं, उनमें कोई भी पेडिसल नहीं होता है। सो ये एग्जाम्पल है ग्रास फैमिली इसका, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट का, और इसे हम बोलते हैं ग्रामिने और पोएसी फैमिली भी बोल सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, और बाकी का टॉपिक मैं कवर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।